इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ स्वाति ठाकुर। अगर हम बात करें दिल्ली के वेदर की, तो पारा जो है बढ़ता ही जा रहा है, ठंड जो है कड़ाके की होती ही जा रही है, और ठंड का प्रकोप जो है वो राष्ट्र राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में जारी है। देखिए, शीतलहर के साथ घना कोहरा पड़ रहा है, जिसकी वजह से यातायात में असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह 8:30 बजे जो थी वो विजिबिलिटी 500 मीटर तक रही। इसके अलावा राजधानी में लगातार दूसरे दिन शीतलहर का रिकॉर्ड रहा। दिल्ली से आया नगर में न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 4.0 डिग्री सेल्सियस और दिल्ली रीज में 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा, संभावनाएं जताई जा रही है। इसके अलावा अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हल्की बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ 7 से 9 जनवरी के दौरान हिमालय क्षेत्रों में भी छिटपुट बारिश होने की बर्फबारी होने की संभावना है। अगले 2-3 दिनों तक जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी घना कोहरा रह सकता है, शीत दिवस रहने की भी संभावना है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में ऐसी स्थिति अभी बनी रहेगी। विभाग के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान इन राज्यों में न्यूनतम तापमान जो है सामान्य से बहुत कम रहेगा। इसके अलावा मौसम वैज्ञानिक से मिली जानकारियों के अनुसार उत्तर भारत समेत राजधानी में शीत दिवस रहने की संभावना है। शीत दिवस तब होता है जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम या बराबर में रिकॉर्ड होता है और अधिकतम तापमान जो है सामान्य से कम में 4.5 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा गंभीर ठंडा दिन तब होता है जब अधिकतम तापमान सामान्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक कम होता है। न्यूनतम तापमान के 2 डिग्री सेल्सियस रहने का, सामान्य 6 से 4 डिग्री सेल्सियस रहने से कम रहने पर भीषण शीतलहर की घोषणा की जाती है। 5 जनवरी को दिल्ली में जो थी वो सुबह काफी ज्यादा सर्दी हो गई थी दिल्ली में। 8 जनवरी से पारा और बढ़ने के आसार हैं। रविवार को राजधानी में सुबह हल्के कोहरे के दिन जो है वो बादल साफ रहेंगे। 8 जनवरी को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान लगाया जा सकता है। तो ठंड काफी ज्यादा हो रही है, इस ठंड से बीमार भी लोग बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इस ठंड में अपना ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी होने के भी अंदेशे लगाए गए हैं। वहीं इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।